हेलो एवरीवन, एक और नए वीडियो में और एक और बहुत बड़ी अपडेट है जिसमें कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार ने आपके बीएससी एग्रीकल्चर के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया है। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, लास्ट तक वीडियो को देखना। और मैंने आपको जो बोला था कि कोई भी यूनिवर्सिटी आपका बीएससी एग्रीकल्चर के लिए निकालेगी, उसके अलाइक साइंसेज के लिए निकालेगी, मैं आपको बताऊंगा चैनल पर वीडियो बना के, वो मैं काम कर रहा हूं। आपको बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी और गढ़वाल यूनिवर्सिटी, विक्रम यूनिवर्सिटी, विश्व भारती यूनिवर्सिटी सबके बारे में बता दिया। अब एक नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आपकी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। तो भाई वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, आगे आप कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाओगे, छोटे से बड़ा अपडेट भी, ना आईसीआर का काउंसलिंग का, ना सीयूईटी के, कोई भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उसका मिस नहीं कर पाओगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर दें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले टेलीग्राम चैनल पर नहीं जाकर जरूर ज्वाइन कर लो, यहाँ पर मैं लिंक जो भी होगा पीडीएफ यहाँ अपलोड कर देता हूँ, जिससे आपको दिक्कत नहीं होती है। तो चलो मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार टाइप करते हो तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आता है जिसका वेबसाइट है www.cusb.ac.in। देन उसके बाद में आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। देन उसके बाद में आप देखोगे यहाँ आपको तीन ऑप्शन शो होगा, एकेडमिक्स, NIRF और एडमिशन 2023 अप्लाई। जस्ट इस पर आपको अप्लाई पे क्लिक करना है, रीड मोर वाले ऑप्शन पे। रीड मोर वाले ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ एक नया इंटरफेस नज़र आएगा। तो देखिए आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार एडमिशन CVT UG 2023। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका नोटिफिकेशन को देख लेते हैं, देन मैं आपको फ़ी स्ट्रक्चर बता देता हूँ। और यहाँ पे आप क्लिक करके इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो इसका लिंक आपको मैं टेलीग्राम पे दे दूँगा और वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, और जो मेरे पर्सनल काउंसलिंग स्टूडेंट हैं उनको तो व्हाट्सएप ग्रुप में मिल ही जाएगा। तो चलो देखो मैं आपको बता देता हूँ एडमिशन नोटिफिकेशन तो कब से स्टार्ट हुआ है। देखो इसका जो डेट है वो है आपका 17 से स्टार्ट हुआ 24 तक, मतलब 24 जुलाई तक आपको इसका रजिस्ट्रेशन कर देना है। और इसका जो फ़ी है देखो 500 रुपीज़ फ़ी है किसके लिए, आपका जो कि नॉन रिफंडेबल फ़ी है वो है आपका जनरल और OBC के लिए। जनरल OBC के लिए आपको 500 रुपीज़ पे करना होगा और 200 रुपीज़ आपको पे करना है SC ST PW के लिए, PWD कैटेगरी वालों के लिए। देन उसके बाद में आपको क्या प्रोसीजर होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है, जो फर्स्ट राउंड का जो एडमिशन होगा वो आपका 27 को कट ऑफ मार्क्स आपका डिक्लेयर कर दी जाएगा। देन उसके बाद में अगर आप इसमें एडमिशन लेते हो तो आपको जो फ़ी डिपॉजिट करना होगा। देन उसके बाद में सेकेंड राउंड होगा, तो ये पूरा प्रोसीजर चलने वाला है, इस आप PDF में जाके देख सकते हो। तो ये तो था कि क्या था, तो आप इसीलिए मैं आपको बताऊँ कि आगे भी जो भी अपडेट होगा, जिस भी और भी यूनिवर्सिटीज अगर निकालते तो उनका भी मैं आपको बताऊँगा। सो टेंशन नहीं लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहो। मैं आपको अभी इसका फ़ी स्ट्रक्चर बता देता हूँ, कैसे अपलोड कर, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना वो भी बता देता हूँ। अब देखिए इसका फ़ी स्ट्रक्चर क्या है प्रोग्राम वाइज, तो हमको तो बीएससी एग्रीकल्चर से मतलब है, अगर आपको कोई अदर कोर्स करना है तो आप कर सकते हो। तो इसका देखो एक ही सेमेस्टर का फ़ी, आपके ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं जिसमें एक सेमेस्टर का फ़ी है 35,818 रुपये। अगर आप इसको अफोर्ड कर सकते हो, अगर आप इसमें कम्फर्टेबल हो, तो देन आप इसको इसके लिए अप्लाई कर सकते हो या रजिस्टर कर सकते हो, जो कि बिहार सरकार की यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। ये रहा इसका फ़ी स्ट्रक्चर। आप इसको जो मैंने अभी वीडियो में बताया वो समझ आया होगा और आपको पता भी चला होगा कि, क्योंकि यार इन सब यूनिवर्सिटीज़ का आपको आइडिया नहीं रहता, आपको नहीं पता चलता कि कब किसका निकलेगा। अगर आपको टाइम पर पता नहीं चले तो आप मिस कर पाओगे। बट मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक स्टूडेंट को CVT के अंदर नहीं, ICR के अंदर कहीं ना कहीं उसको BSc एग्रीकल्चर का सीट मिल जाए। तो मैं आपको टाइमली अपडेट दे देता हूँ, तो जाके उसका आप अप्लाई कर दें, उसको रजिस्टर कर दें। रजिस्टर करने में इतना कुछ बड़ी बात नहीं है, उसमें जस्ट आपको अपना डिटेल्स पुट करना है, सिग्नेचर है, फोटोग्राफ्स मांगेगा वो अपलोड करना है। तो ये तो था इसके बारे में। और जिन भी स्टूडेंट को मेरी पर्सनल काउंसलिंग मेंटरशिप में ज्वाइन होना है तो ज्वाइन हो सकते हो, यहाँ पे आपको डिटेल्स दिया गया है। इसको ज्वाइन होने के बाद मैं आपको पूरा मैं सपोर्ट करूँगा, आपको कैसे चॉइस फिलिंग करना, कैसे प्रेफरेंस डालना ICR के अंदर। देखो CVT के अंदर तो मैं आपको यूट्यूब पर ही बता रहा हूँ, देन आपको CVT के अंदर जो डिटेल्स अपडेट होती है वो पहले आपको मैं पर्सनल काउंसलिंग वाले स्टूडेंट के पास पहुँच जाती है। देन और उसके बाद में ICR की जो प्रेफरेंस लिस्ट है उनको कैसे भरना है, क्या करना है, क्योंकि यार आपको बस एडमिशन कैंसिल नहीं होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कुछ भी रेंडमली फिल कर देते हैं, उनको नहीं पता रहता है। तो प्लीज़ आप ज्वाइन कर सकते हो, अगर आपको दिक्कत होता है, आपको आइडिया नहीं है तो। सो ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना होगा आपका पेमेंट करने के बाद, देन आपको कॉन्टैक्ट इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है जो आपको दिख रहा है। तो चलो इस वीडियो में इतना ही, अगर ज्वाइन होना है तो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद द स्टडी टेक। और अगर हाँ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करते जाना, और ऐसी वीडियो आगे चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहना।